गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या इंस्टॉल करने वाले हैं हमारी सिविक में। तो हाँ गाइस, अभी आप देख सकते हो कम्प्लीटली हम लोग ने बाहर से तो सभी चीज़ कर दिया, जस्ट अभी हम लोग को अंदर का काम बाकी है। तो अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले, अंदर हम लोग गेजेस इंस्टॉल करने वाले। तो पहले भी मैंने इसमें गेज इंस्टॉल किया था जो था वोल्ट मीटर गेज, तो आज हम लोग इसमें 3 गेज इंस्टॉल करने वाले, वो भी पॉड पिलर के साथ होने वाला है गाइस। वोल्ट मीटर का गेज, RPM का गेज और वैक्यूम का गेज। मैंने इसमें वोल्ट मीटर का गेज इंस्टॉल किया था, बट वो घड़ी घड़ी गिर रहा था और वो प्रॉपरली इंस्टॉल लग रहा नहीं था। तो आज हम लोग क्या करने वाले, मैंने एक पिलर माउंट खरीदा है जिसमें हम लोग 3 गेजेस लगा सकते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखता है। हम लोग को आज क्या क्या चाहिए, 3 गेजेस चाहिए और एक पॉड पिलर चाहिए। हम लोग को थोड़ा बहुत वायरिंग करना है एंड दैट्स इट। ना अभी मैं प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाके बाय कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एक्सनेस, अ फाइनेंशियल कंपनी। एक्सनेस की मदद से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, करेंसी में ट्रेड कर सकते हो और स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो और आप फ्यूचर के लिए पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गाइस आपने एक्सनेस के बारे में नहीं सुना, ये तो बहुत ताजुब की बात है। गाइस अगर आपको इन्वेस्ट करना नहीं है तो एक्सनेस का एक पार्टनरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको गाइस कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है और 40% आपको रेवेन्यू शेयर मिलेंगे। हमें आपका सब क्लाइंट करेगा, उसमें से आपको 40% रेवेन्यू शेयर मिलेंगे, आप जस्ट एक मिडिल पर्सन बन जाओगे। आप एक्सनेस का लॉयल्टी प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको जीतने मिलेंगे सुपर कार्स, आईफोन और ड्रीम ट्रिप्स। ये प्लेटफॉर्म पे डेली पे आउट्स में मिलते रहेंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको ट्रेड कैसे करना है, हम लोग कैसे कर पाएंगे। एक्सनेस आपको सभी मटेरियल्स प्रोवाइड कर देगा और आपको अच्छे से टीच कर देगा कि आपको ट्रेड कैसे सक्सेसफुली करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आप जाके चेकआउट कीजिए, आपका ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए और कमाना स्टार्ट कीजिए। देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पॉड पिलर इंस्टॉल किया था जो मतलब नॉर्मल सा माउंट था, पहले मैंने वीडियोस में आपने देखा होगा। तो यहाँ से मैं देखता था तो वहां तक दिख रहा नहीं था थोड़ा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है ये मेरे को प्रॉपरली दिखता है। तो आज हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिलर है, तो ये पिलर में हम लोग क्या करने वाले गाइस, ये पिलर में प्रॉपरली एक माउंट है जिसमें 1, 2, 3 पॉड्स रहेंगे, वो एकदम प्रॉपरली दिखने वाला है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ पॉड है मेरे पास। पहले वाला जो पॉड था मेरा वो ऐसे होल था और जस्ट नीचे एक डंडी था जो हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करते थे, बट ये वाला जो पॉड है ये हम लोग पिलर में इंस्टॉल करेंगे। और कैसे इंस्टॉल करने वाले अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस ये पॉड ऐसा कुछ लगता है, आप देख सकते हो ये पॉड ऐसा कुछ लगने वाला है और 1, 2, 3 ऐसा कुछ दिखने वाला है। यहाँ पे 1 मीटर, वहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, डायरेक्ट यहाँ पे देख सकता हूँ। जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ वैसे RPM मीटर देख सकता हूँ, स्पीड देख सकता हूँ, मेरा वोल्ट मीटर देख सकता हूँ, मेरा और एक RPM मीटर देख सकता हूँ मेरा। और इंस्टॉल करने से पहले हम लोग को एक चीज करना पड़ेगा, देख सकते हो ये थोड़ा सा कर्व है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अजीब सा थोड़ा कर्व है, तो इसको हम लोग को स्मूथ करना है। तो स्मूथ कैसा करना है अभी मैं आपको बता देता हूँ। जी ये ऐसा कुछ है हम लोग का, तो ये मतलब ये जो सरफेस है हम लोग का इस पर मैच नहीं हो रहा है, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला सरफेस है, तो इसको हम लोग ने ऐसे तरीके से सैंड कर दिया है, तो इसको एकदम प्रॉपरली स्मूथ कर दिया है। अभी और कुछ फाइल का मदद ले सकते हो सरफेसिंग करने के लिए, इट्स वेरी गुड, और ये आपके जो सरफेस है उसको मैच भी कर पाएगा, क्योंकि अनइवन सरफेस रहेगा तो ये प्रॉपरली फिट नहीं हो पाएगा। हम लोग सेकंड गेजेस हम लोग इंस्टॉल करने वाले गेज जो है गाइस ये वैक्यूम गेज है। वैक्यूम गेज मतलब इनटेक मैनिफोल्ड में जो वैक्यूम बन रहा है वो ये डिटेक्ट करने वाला है। तो अभी हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। एक्चुअली गाइस इसको मैंने कभी ओपन ही नहीं किया हुआ है और आप देख सकते हो बॉक्स का हालत थोड़ा सा खराब हो गया है, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले से मैंने मंगा के रखा था, जब मैंने सिविक खरीदा गाइस तभी से ही ये मेरे पास पड़ा है, बट मुझे पॉड प्रॉपर मिल रहा नहीं था इंस्टॉल करने के लिए। देख सकते हो ये ड्रैगन गेज के इतने सारे गेज अवेलेबल है, ये वोल्ट गेज है, ये ऑयल टेम्परेचर है, ये वाटर टेम्परेचर है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑयल प्रेशर है, ये टैकोमीटर और ये वैक्यूम गेज है। तो आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले ड्रैगन गेज का, वैक्यूम गेज और टैकोमीटर। देख सकते हो ये जो वोल्ट मीटर का गेज है ये CN स्पीड का है, ये एक्चुअली थोड़ा सा टूट गया था बट मैंने इसको अभी बना दिया है। अभी गेज जो है 52 मिलीमीटर के है, 2 मिलीमीटर का गेज खरीदते हो तो 52 मिलीमीटर का ही पॉड आपको खरीदना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा वैक्यूम गेज है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा अभी क्योंकि ये पूरा टेंट है, जब इसमें लाइट्स आएंगे ना गाइस ये बहुत ज्यादा कूल दिखेगा। देख सकते हो पीछे गाइस एक पाइप दिया हुआ है और इन लोग ने एक पाइप प्रोवाइड किया है, अच्छा खासा पाइप इन लोग ने प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पाइप के साथ एक टी भी प्रोवाइड किया है, अभी ये टी का क्या यूज होने वाला है मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंस्टॉलेशन मैनुअल भी मिल जाता है, तो ये जो इंस्टॉलेशन मैनुअल है ये ड्रैगन गेज के हर एक सीरीज के साथ मिलता है, इसमें सभी जो गेजेस है इसके कैसे लगाना है आपको सभी चीज इसमें दिखाया गया है, तो ये देखने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी चीज मैं आपको बता दूंगा। तो हमारा टैकोमीटर दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा RPM गेज है। जो RPM गेज है गाइस वो 3 सिलेंडर्स के लिए है, जो है 8 सिलेंडर, 6 सिलेंडर और 4 सिलेंडर्स। तो अभी मैंने 4 सिलेंडर के मोड में रखा है क्योंकि हम लोग का इंजन जो है 4 सिलेंडर है, 1.8 है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पट्टी इन लोग ने दिया हुआ है पहले से, ये एक्चुअली छोटा सा ब्रैकेट है जिसकी हम लोग को जरूरत नहीं है, तो हम लोग ये ब्रैकेट जो है निकाल देते हैं, जो गेजेस है इससे ब्रैकेट निकाल देते हैं हम लोग, क्योंकि जो वोल्ट मीटर गेज है उसमें भी ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ हम लोग का स्टेप्स क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, ये मीटर्स जो है पॉड में डाल देंगे, डालने के बाद पॉड को यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे।
करेंगे स्क्रूज की मदद से, मतलब एकदम नॉर्मल छोटे छोटे स्क्रूज रहेंगे उसके मदद से हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद वायर्स हम लोग यहाँ से ले लेंगे, अंदर के फायरवॉल से बाहर निकालेंगे और कम्प्लीटली उसका जो वायरिंग है वो कर देंगे। वो वायरिंग मैं आपको बता दूंगा, एकदम ईजी रहेगा, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं रहेगा। तो अभी सबसे पहले जो मेन हम लोग का टास्क है वो है पॉड इंस्टॉलेशन, की पॉड एकदम प्रॉपरली इंस्टॉल कैसे करना है। आप देख सकते हो गाइस, ये वाले जो पिलर है यहाँ पे मैंने फायर स्टॉप, मतलब ये फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है, ऑटोमोटिव शॉप से लिया है जिसका प्राइस था 200 रुपीज़, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, ऐसा कुछ मेरे को इशू नहीं आया इस पे। देख सकते हो ये हमारा वैक्यूम गेज है, वैक्यूम गेज के पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को दो वायर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे एक होल मिल जाता है। ये होल में तो हम लोग का ट्यूब लगने वाला है क्योंकि ट्यूब में पूरा वैक्यूम दिखाने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दो वायर्स है, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आरपीएम गेज है, आरपीएम गेज में गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक रेड वायर हमारा पॉजिटिव है, फिर ब्लैक वायर हमारा नेगेटिव है, ग्रीन वायर जो है ये मेन वायर है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कहाँ पे इंस्टॉल करना है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का सी एन स्पीड का वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में आप देख सकते हो दो ही वायर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको अभी वायरिंग डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, तो वायरिंग डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो ये हम लोग का वायरिंग डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हम लोग को मिल जाता है वोल्ट मीटर, फिर टैकोमीटर जो है आरपीएम मीटर, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है वैक्यूम गेज। हम लोग को वोल्ट मीटर में दो वायर मिल जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद टैकोमीटर में हम लोग को तीन वायर मिल जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और एक सिग्नल वाला वायर जो हम लोग के इग्निशन कॉइल में लगने वाला है। उसके अंदर जो गेज हम लोग का वो है वैक्यूम गेज, उसमें आप देख सकते हो दो वायर्स मिल जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जिससे हम लोग को पावर मिलने वाला है। एक ट्यूब दिया हुआ है, ट्यूब जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो ये ट्यूब से हम लोग को रीडिंग मिलने वाली है। क्या करना है हम लोग को, ये प्लस देख सकते हो, ये प्लस देख सकते हो और ये प्लस देख सकते हो, सबके पॉजिटिव वायर को एक जोड़ मिला देना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव सबको मिला देना है एक पे, तो ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग को बन जाता है दो पॉइंट्स। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये निकल कर आ रहा है हमारी गाड़ी से, सकता है इग्निशन से या फिर हम लोग का सिगरेट लाइटर पोर्ट से। प्लस और माइनस मैंने पहले से ही निकाल के रखा है क्योंकि प्लस और माइनस का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। मैंने स्टारलाइट सीलिंग भी इससे लगाया है, उसके बाद वोल्ट मीटर भी लगाया था पहले इससे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस को ये प्लस पे लगा देंगे, माइनस को माइनस पे लगा देंगे, तो हम लोग का जो पूरा सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। अभी हम लोग को दो चीज और करना है, ये सिग्नल बार को लगाना है कहाँ पे वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, कनेक्ट करना है एयर फिल्टर पे, तो ये ट्यूब एयर फिल्टर के इधर लगने वाला है ताकि हम लोग को वैक्यूम पता चले कि कितना आ रहा है। आपको कंप्लीटली समझ करेगा कि आपको कैसे ये चीजों को वायरिंग करना है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉड में लगा देते, कंप्लीटली वायर कर देते और इसको कैसे फिट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हो ये वाला जो पैनल है ये कंप्लीट हम लोग ने निकाल दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पैनल है ये ऐसा दिखता है। तो ये वाला जो पैनल है ये डायरेक्ट आपको पुल आउट करना है तो ये निकल जाएगा। तो अभी हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो हैकिंग करके रखा हुआ है कि कहाँ से हम लोग इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा और बराबर लगाने भी नहीं होगा। तो हम लोग ने क्या किया गया, पॉड अच्छी तरीके से लगा दिया आप देख सकते हो, और अंदर आप देख सकते हो वैक्यूम का ट्यूब जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है और वायरिंग भी हो चुका है। जैसे मैंने वायरिंग डायग्राम में बताया था वैसे हम लोग को करना है वायरिंग, देख सकते हो ऐसा कुछ ये पॉड लगने वाला है ये कम्प्लीटली। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने होल किया हुआ है, तो ये मार्किंग को हम लोग प्रॉपरली लगा देते जगह पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर हो चुका है, यहाँ पे ये होल किया हुआ है। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्रू के मदद से मैंने यहाँ पे होल किया हुआ है, और ये जस्ट होल मैंने इसीलिए किया है कि मतलब एकदम प्रॉपरली लग जाए। तो आपको जस्ट मार्किंग देखना, और ये स्क्रू आपको कोई भी ऑटोमोटिव स्टोर में मिल जाएगा। ये एक्चुअली पंच स्क्रू है जो हम लोग डायरेक्ट प्लास्टिक के ब्रिट में या कहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट स्क्रूज कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको स्क्रू लेना है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से जस्ट होल कर देना है। यहाँ पे एक स्क्रू लगेगा, यहाँ पे स्क्रू लगेगा और यहाँ पे एक स्क्रू लगेगा, यहाँ पे एक स्क्रू नहीं लगा सकते क्योंकि गाइस ये बहुत ज्यादा ऊंचा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बट ये पीछे से है ना दिखता नहीं है इतना, तो उतना चल जाएगा। बस यहाँ पे तीन स्क्रूज हम लोग लगा देंगे और दैट्स इट, कम्प्लीटली हो जाएगा। ऐसे आपको होल करना है, जस्ट डायरेक्ट आपको स्क्रू ड्राइवर घुमाना है इसके ऊपर और होल होते जाएगा। जस्ट हल्का हल्का प्रेशर लगाना है, ज्यादा भी प्रेशर मत लगाओ वरना क्रैक हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने दो स्क्रूज ही लगाए, तीन स्क्रूज की मेरे को लगता नहीं जरूरत है क्योंकि एकदम स्टेबल हो गया है, मेरे हिसाब से गिरेगा भी नहीं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कर देते हैं वहां पे वापस से, उसके बाद वायरिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम लोग का इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो गया, अभी से हम लोग को वायरिंग करना है। जैसे जैसे मैंने आपको वायरिंग डायग्राम में बताया सेम वैसे वैसे आपको करना है, और कैसे हम लोग अभी करने वाले कंप्लीट प्रोसेस अभी मैं आपको बता देता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम प्रॉपरली हम लोग ने फिट कर दिया, यहाँ पे एक स्क्रूज लगाया, यहाँ पे एक स्क्रू लगाया, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक स्क्रू लगाया मैंने सपोर्ट के लिए, तो एकदम प्रॉपर है, ज्यादा हिलता नहीं है। यू कैन सी एज पर द वायरिंग डायग्राम यहाँ पे निकले हैं तीन वायर्स, ये एक पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्यूब है जो हम लोग को इंटेक में लगाना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो वायरिंग है मतलब जो इसका पावर वाला वायरिंग है पॉजिटिव और नेगेटिव वो कर देते हैं, जो हम लोग इग्निशन से लेने वाले हैं। तो सिगरेट लाइटर पोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने पहले से वायर निकाल के रखा हुआ है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में वो स्टिक कर देंगे। उसके बाद ये पाइप और एक वायर हम लोग फायरवॉल से लेके बाहर डाल देंगे। यहाँ का जो वायर है हम लोग ने निकाल के यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉजिटिव है हमारा और ये नेगेटिव है हमारा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टाइम आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने की डाली अंदर,
तो आप देख सकते हो ये चीज जो है पूरा ऑन हो गया, और आप देख सकते हो कितना ज्यादा कूल लग रहा है। मतलब यहाँ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारे सब मीटर्स है कम्प्लीटली दिख रहा है। बस इसमें एक ही मीटर चालू रहेगा, ये वाला हमारा वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर को ही रीडिंग मिल जा रहा है पावर का। तो आरपीएम मीटर का सिग्नल वाला हम लोग को लगाना है, और ये वैक्यूम मीटर का जो है वो ट्यूब जो है वो हम लोग को लगाना है, तभी जाके ये वर्क करेगा प्रॉपरली। तो जैसे कि आप देख रहे हो हम लोग ने मीटर इंस्टॉल कर दिया है, और मीटर के नीचे आप देख सकते हो नीचे एक फायरवॉल का जगह है गाइस। जो होल दिया होता है वो अंदर के वायर्स को बाहर के इंजन कैबिनेट तक लेके जाने के लिए यूज में आता है। हमने ये वाला ट्यूब और ये वाला जो वायर है यहाँ पे निकाल दिए। ये आरपीएम मीटर का जो है वायरिंग करना बाकी है, और ये ट्यूब आप देख सकते हो ये ट्यूब हम लोग ने इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर ही डाला है। मैं इसमें कोल्ड एयर इंटेक भी डाल दूंगा और एक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट भी डालूंगा फ्रॉम द हेडर्स। के टाइम पे जब भी मैं स्टेनलेस स्टील का एक कोल्ड इंटेक पाइप बनाऊंगा तभी मैं एक वैक्यूम के लिए भी बना दूंगा। अभी फिलहाल मैंने इंटेक में लगा दिया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे गाड़ी स्टार्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि वैक्यूम गेज कैसे वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो इंजन स्टार्ट हो गया, अभी मैं रेस देता हूं थोड़ा। देखा ये वैक्यूम गेज एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, और थोड़ी दिन का जब भी मैं वो कर दूंगा कोल्ड एयर इंटेक तभी एकदम प्रॉपर वैक्यूम दिखा रहा है। अभी थोड़ा फ्लक्चुएशंस हो रहा है इसमें, थोड़ा लीक भी हो रहा है। जब भी मैं कोल्ड एयर इंटेक का अच्छे तरीके से पाइप बना दूंगा ना तभी वैक्यूम गेज का वो ट्यूबिंग के लिए भी एक जगह बना दूंगा, तो क्या इसमें एकदम प्रॉपर तरीके से वैक्यूम दिखाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो गाइस आरपीएम गेज का हम लोग ने अभी तक वायरिंग नहीं किया है। एक्चुअली थोड़ा सा इश्यूज हो रहा है वायरिंग में, डायग्राम में गाइस मेरे को मिल रहा नहीं है, ये बाद में मैं कर दूंगा। इसका इतना ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि अभी भी मेरे पास आरपीएम मीटर है, थोड़े दिन में मैं वायरिंग कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक थोड़ा सा अपडेट दे दूंगा कि आरपीएम मीटर का एक सिंगल वायर आपको कहां पे लगाना है। वो एक्चुअली थोड़ा वायरिंग नहीं मिल रहा है, इसके वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। अभी आप देख सकते हो मैं अभी वोल्ट मीटर का आपको बता देता हूं, जस्ट इंजन स्टार्ट करता हूं तो आप देख सकते हो डायरेक्ट 14 तक जाता है ये। जैसे मैं एक्सेलरेट करता हूं तो वोल्ट मीटर का वर्किंग, तो ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जैसे मतलब मैंने बोला था थोड़ा खराब हो गया तो उसको मैंने ठीक कर डाला है। लाइट बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, नाइट ड्राइविंग में भी मेरे को बहुत ज्यादा मजा आएगा, और ये रात के टाइम में गाइस एब्सोल्युटली मतलब बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं। जैसे कि आपने देखा ये वीडियो, हम लोग ने वोल्ट मीटर का तो पहले से ही कर दिया था वायरिंग, वोल्ट मीटर जो नॉर्मल हम लोग का वोल्ट है वो दिखाता है। उसके बाद वैक्यूम गेज का आपने तो देखा ही, वैक्यूम एकदम परफेक्टली नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस हो रहा है उसमें, बट कोल्ड एयर इनटेक आने के बाद ये वैक्यूम गेज एकदम प्रॉपरली वर्क करेगा। उसके बाद आरपीएम मीटर का थोड़े दिन के बाद मैं वायरिंग कर दूंगा, जिसको कुछ वायरिंग डायग्राम या कुछ मिल जाता है। और गाइस आज के इस वीडियो के लिए आई विल बी एंडिंग अप माय वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच इट आउट इन द स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।